हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये दो दिन का मिक्स ब्लॉग है, सैटरडे और संडे का। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जहाँ पे नहा धो के मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और हस्बैंड जी को जाना था अपने ऑफिस, तो बस वो चले गए थे। फिर मैंने अपने बाकी के काम स्टार्ट किए थे, नाश्ता वगैरह बना दिया था। तो मैंने ये गोभी रखी हुई थी कई दिनों से ना, तो वो वैसी हो गई थी, थोड़ी सी ऊपर से काली काली जैसी पड़ गई थी। तो मैंने उसको अच्छे से ऊपर से सारा उसका कालापन निकाल के चाकू से और कट करके गर्म पानी में डाल दिया था। तो आलू भी साथ में ही काट लिए थे और कुछ कुछ तैयारियां भी करनी थी बेटे के जाने की, क्योंकि उसको आए हुए 8-10 दिन पूरा एक भी हो गया था, हॉस्टल से एग्ज़ाम के बाद आ गया था घर पे। लेकिन गर्मी तो बहुत पड़ रही है, बेटों को भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट क्या करें, पढ़ाई तो करनी है तो जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंक रही थी गोभी आलू की लंच के लिए, और नाश्ता वगैरह में मैंने बनाए थे चने, काले चने बनाए थे नाश्ते में। तो सबने नाश्ता कर लिया था और मैंने भी कर लिया था, मम्मी पापा जी ने भी कर लिया था। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी छौंक रही थी और इसमें ना मैंने एक टमाटर के साथ में ही डाल दिया था। टमाटर से ना सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आ जाता है। बस कुछ नहीं डाला, बस प्याज और टमाटर और एक दो खड़ी मिर्च डाल दी थी मैंने, जिससे कि मिर्च सब्ज़ी में बहुत तीखी भी नहीं होगी और फ्लेवर भी आ जाएगा। कुछ खड़े मसाले डाल दिए, जैसे लौंग इलायची, एक इलायची और 2-3 काली मिर्ची और तेज़पत्ता, ना इससे ना फ्लेवर आ जाता है बट बहुत तीखापन नहीं आता है, तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और मेरे यहाँ वैसे भी बहुत कम स्पाइसी सब्ज़ी खाते हैं मम्मी पापा जी की वजह से, मैं सिंपल ही बनाती हूँ। वैसे भी दूसरी चीज़ मुझे और बनानी होगी, दाल वगैरह बनाऊँगी, कुछ देखती हूँ क्या बनाती हूँ, पूछ के बनाऊँगी। तो क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी भी वो कम पसंद क्या करते हैं, उनको ना प्रॉब्लम रहती है कुछ, तो इसलिए वो खा नहीं पाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाई जाएगी या दाल बनाई जाएगी जो वो खा लें। तो बस यहाँ बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी धनिया और लाल मिर्च भी कम ही डालती हूँ और नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले सारे अच्छे इसमें से कोट हो जाएंगे ना तो अच्छी बनेगी। और थोड़ा सा इसमें ना पानी भी डाल दूँगी, जिससे कि गोभी रखी हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गलेगी नहीं, तो मुझे पानी थोड़ा सा इसमें डालना पड़ा जो अच्छे से गल जाएगी गोभी और आलू दोनों। और सीज़न की जो सब्ज़ी होती है ना वो बिना पानी के भी गल जाती है, लेकिन ये ना अभी कोल्ड स्टोर की रखी हुई गोभी थी, बहुत टाइट टाइट जैसी हो रही थी। तो बस बनानी तो थी क्योंकि कई दिनों की रखी थी और पति देव को मेरे को बहुत पसंद है आलू गोभी की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैंने अरहर की दाल बनाई और सब्ज़ी बन गई इधर, मतलब खाना लगभग रेडी था। मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद आपसे मिल रही हूँ। और गैस पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे बनने के लिए कुकर में, आटा वगैरह सब तैयार हो गया और टाइम कभी दोपहर का हो रहा था, और सैलेड भी मैंने सब कुछ तैयार करके रख लिया, काट लिया। फिर सभी लोग इकट्ठे हो गए, यानी हस्बैंड जी भी आ गए थे और टाइम करीब हो रहा था 2 बजे का। तो बस फिर मैंने फटाफट रोटियाँ सेकी सबके लिए और गरम गरम सबको खाना एक एक करके लगाया। तो बस मैं थाली में लगाने जा रही हूँ पतिदेव के लिए। मम्मी पापा जी अभी नहीं खा रहे थे, बोले थे चाय, मुझे चाय पी ली थी मम्मी पापा जी ने, उनका मन हो रहा था चाय पीने का तो उनको चाय बना के दे दी थी, तो चाय पी ली थी इसलिए थोड़ी देर में खाएंगे। तो मैंने सोचा तब तक हस्बैंड जी को ही दे देती हूँ, तो बस उनके लिए फिर रोटियाँ सेक रही थी। तो 10-15 मिनट के बाद ही खाएँगे वो, तो तब तक कुछ लोग खा लेंगे। लेकिन गर्मी अब आजकल इतनी हो रही है कि पूछो मत, किचन में ही 40 डिग्री टेम्परेचर रहता होगा कम से कम। तो क्या है, फिर बना आदत हो जाती है बनाते बनाते, उतनी नहीं लगती है। बस यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी सबके लिए और बेटे को जाना है तो उसकी कुछ कुछ तैयारी भी करनी है, इसलिए सोच रही थी। और मैंने फ्रिज में मैदा रख देती हूँ, मैं मैदा सूजी वगैरह फ्रिज में रख देती हूँ इन दिनों में, जो ख़राब नहीं होती हैं। तो देख रही थी तो मैदा थोड़ी सी ही थी, निकाल के लेके आई, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, थोड़ी थी तो और मुझे मंगानी थी मैदा, बेटे के लिए कुछ कुछ बनाना था। तो लंच में हस्बैंड जी को देने जा रही थी, तो मैंने ये शाम की क्लिप है जहाँ पर मैदा मैंने और थोड़ी सी मंगा ली थी, बस वहाँ पर मैंने मटरी बना के तैयार कर ली। और ये रात का टाइम हो रहा था, करीब डिनर का टाइम ही था, साथ में डिनर भी मुझको बनाना था, आलू बॉयल होने रख दिए थे,
समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। थोड़ी सी सब्जी दोपहर की भी रखी हुई थी यहाँ पर, मटरी मैंने तैयार कर ली बेटे के लिए, बस आलू बॉयल करे थे और बेटे को खानी थी आलू की कचौड़ी, बोला था आलू की कचौड़ी खिला दो। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जहाँ पर मैं गई थी बेटे को छोड़ने, और वापस आके मेरी ननद ने मोर्चा संभाल लिया था कि मैं कहीं अगर चली जाती हूँ तो मेरी ननद जी खाना पीना मम्मी पापा जी के लिए बना देती हैं, जो मुझे बहुत हेल्प मिलती है और बहुत सपोर्ट मिलता है। बस ये शाम को और मम्मी और दीदी ड्राइंग रूम में बैठ के और हम सब लोग गॉसिप कर रहे थे बैठ के, बस बातचीत कर रहे थे, चाय वाय पी ली थी सब ने, और टाइम 7 बजे का हो रहा था, डिनर का भी टाइम हो ही रहा था। फिर मैंने सोचा लाओ बैठे बैठे सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, तो यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर मैंने सब्ज़ी काटी, और सब्ज़ी मैं दोपहर को दीदी ने बना दिया था आलू के पराठे, सबका मन हो रहा था खाने का, मैं आई थी तो दीदी बना रही थी, तो बस मुझे भी गरम गरम खाने को मिल गया। इसी बहाने अपने हाथ से तो रोज़ ही खाते हैं, दूसरे के हाथ का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, तो बस यहाँ पर फिर मैंने बैठ के सब्ज़ी काटी टिंडा की, और ये टिंडे पर बस छौंकने जा रही हूँ मैं, अब छौंकूँगी अब टिंडे, तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले मैं कुकर में डालूँगी तेल, और ना टिंडा मतलब बादी नहीं होता है तो ज़्यादातर मम्मी पापा जी टिंडा है, लौकी है, परवल है, यही सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो आपने मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर देखा होगा मैं यही सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं ना तो थोड़ी सी डिफरेंट सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ। तो बस ये मैं सौंफ पीस रही थी, इसमें ना सौंफ डालूँगी थोड़ी सी, और पिसी हुई ख़त्म हो गई थी, तो सौंफ से ना बहुत अच्छा डाइजेशन रहता है, मतलब सौंफ हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करती है, तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो सौंफ मैंने थोड़ी सी मिक्सी में डाल के और पीस ली, और सूखी हुई तो नहीं थी, वैसे मैं ना ज़्यादातर हल्का सा तवे पर रोस्ट करके पीसती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो थोड़ी सी मैंने पीस ली, अपनी अभी का काम चल जाएगा, फिर बाद में मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करके और पीस के रख लूँगी। तो बस यहाँ पर सौंफ पिस गई थी, और इधर सब्ज़ी में थोड़ी सी सौंफ, धनिया और थोड़े से खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची और तेज़पत्ता, आपने देखा ही होगा कि मैं क्या डालती हूँ, बस उसका फ्लेवर आ जाता है, तो सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है, और सिंपल की सिंपल रहती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो मिक्सी का जार है ना, पूरी सौंफ पीस ली थी मैंने, और उसमें बहुत बारीक तो नहीं हुई थी, लेकिन जो ऊपर जो उसका ढक्कन होता है ना उसमें आ जाती है, बिल्कुल बारीक जैसी आ जाती है, तो वही मैंने धनिया में मिक्स कर दी और डाल दी, और लहसुन प्याज भी डाल दिया था, मैंने सारे मसाले पीसे नहीं थे, खड़े मसाले से ही सब्ज़ी छौंक दी, और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी, मतलब थोड़ी देर भुनने दूँगी इसको मैं मसाले के साथ, जब तक ये इसका तेल नम निकल जाए। बस यहाँ पर दीदी कह रही थी थोड़ी सी सौंफ में मिश्री भी पीस दो, ये आपके साथ मैं आज शेयर कर रही थी, इसीलिए कि मैंने सोचा कि जब मैं बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर ही देती हूँ, तो सौंफ में मिश्री मिक्स करके पीस के रख दो, तो और उसको खाने के बाद थोड़ा सा खा लो, तो इससे बहुत अच्छा डाइजेशन रहता है और खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो बस मैं वही बना रही थी मम्मी जी के लिए, तो मैंने एक्स्ट्रा सौंफ निकाल के रख दी थी, और जो उसमें थोड़ी सौंफ बची थी उसी में थोड़ी सी मिश्री डाल के और पीस दिया था, और सब्ज़ी जब तक भुनेगी तब तक मैं ये भी काम कर दूँगी। तो दीदी और मम्मी अभी बैठे ही हुए थे और बातचीत कर रहे थे, दीदी का घर पास में ही है ना, तो वो थोड़ी देर में जाएंगी, तो मैंने कहा खाना पीना खा लो, बना ही रही हूँ तभी जाना, लेकिन बोली भूख दोपहर को बहुत हैवी हो गया, तो अभी भूख भी नहीं लग रही, और टाइम करीब अभी 8 बजे का हो रहा था, तो बस मैंने सब्ज़ी छौंक दी यहाँ पे, अच्छे से भुन गई, तब तक मेरी सौंफ और मिश्री भी पिस गई। तो बस ऐसे ही सुबह से शाम कब हो जाती है वो, आजकल तो समर वैकेशन हो गई है, तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए धागे वाली मिश्री और थोड़ी सी सौंफ, मैंने सोचा थोड़ा सा पीस के रख देती हूँ, पता नहीं सब लोग खाएंगे भी कि नहीं, तो यहाँ पर पीस दी मैंने, ये देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा बन गया था, और एक डिब्बी में भर के मैंने रख दी थी, मम्मी जी बोली रख देना हम डेली खाया करेंगे, तो बस मैंने इसको पीस के और ये देखिए प्लेट में निकाली, बिल्कुल बारीक पाउडर हो गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये बारीक हो पाएगा, लेकिन सौंफ के साथ मिश्री भी बहुत बारीक हो गई। बस ये सब पीस पास के रख दिया था, और दीदी चली गई थी, रुकी नहीं थी, मैंने तो कहा खाना खा के जाना, लेकिन वो नहीं रुकी थी, दूसरी साइड में दूध हो गया था गर्म और सब्ज़ी भी बन गई थी, इसका मैंने प्रेशर निकाल दिया था सब्ज़ी का, और इधर आटा भी तैयार कर रही थी क्योंकि रोटियां बनानी थी, और एक ही सब्ज़ी में काम चल जाएगा आज हमारा, क्योंकि बेटा तो चला गया है आज हॉस्टल, बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लगता है जब बच्चे चले जाते हैं, लेकिन फिर एक दो दिन में थोड़ी सी हैबिट हो जाती है, आज तो बहुत ही ख़राब लग रहा था, और इतनी गर्मी भयंकर हो रही है, लेकिन बच्चों को जाना तो पड़ता ही है, क्या करा जाए। इधर मुझे पता चला, मम्मी जी ने अभी बताया कि हमारे यहाँ जो आंटी आती है ना काम करने, आज कल सुबह को वो नहीं आएंगी, तो
तो बस फिर मैंने अपना मोर्चा संभाल लिया, सोचा कि थोड़े थोड़े धोती चलूँगी तो ये मेरे लिए इकट्ठा नहीं होगा। तो बस सब्जी और आटा वगैरह सब तैयार कर दिया था और खाना बस इसके बाद बनाऊँगी, करीब 9 बजे करीब खाएँगे सभी लोग। थोड़ी सी बर्तन थे तो वो धो दिए, फटाफट साफ करके रख दूँगी और आटा वगैरह सब कुछ तैयार करके रख दिया। जब आएंगे सभी लोग तब मैं बनाऊँगी। तो अभी बहुत थोड़े ही थे बर्तन, चार पाँच कप थे और बस वही चाय के बर्तन थे। तो चाय कप होना होना सब धो के रख देते हैं। और पता है अगर थोड़े थोड़े धोते चलो तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं होते हैं और आराम से काम होता चलता है। तो मुझसे फिर देखा नहीं जाता है बिल्कुल भी अगर ज़रा थोड़े बहुत भी बर्तन पड़े हुए हों। तो बस ऐसे ही मैं बर्तन धोने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, तब तक सब लोग आ भी जाएंगे और फिर मैं करूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि अब तक मुझे अपनी वीडियो पहुँचानी भी है। बस यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं इस और काम करूँगी, कपड़े वगैरह संभालूँगी, कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि टाइम ही टाइम है। अब तो छुट्टियाँ भी हो गई हैं तो अब इतना हड़बड़ी भी नहीं होगी कि सुबह को सबको इस काम पे जाना है, अपने अपने काम पे। तो पापा जी भी अभी कहीं निकल गए थे, हस्बैंड जी भी निकल गए थे, दीदी भी चली गई, तो अब हम और मम्मी जी ही बचे थे। और मम्मी जी को भी भूख नहीं लग रही थी, मम्मी जी ने भी बोला था अभी मत बनाओ, थोड़ी देर में बनाना। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे और अब बेटी के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं तो वो भी आ जाएगी जून तक, तो मतलब जून की छुट्टियां उसको मिल जाएंगी तो वो आ जाएगी घर पे। तो आगे मैं आपके साथ सारी अपडेट शेयर करती रहूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग को डेली देखिएगा और मेरे चैनल को अगर आप तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो ये बर्तन हो चुके हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं और किस तरह का कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए। तो आप मेरे वीडियो को रोज़ वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।